Hey guys, मैं RJ चेमन, hope you all good. Time था 17 नवंबर सुबह 8:56, 35 सेकेंड, 46 मिलीसेकेंड. जगह थी चाइना, हुबई स्टेट, वुहान सिटी, सी फूड मार्केट, जहां एक व्यक्ति को पहली बार कोरोना का संक्रमण हुआ था. उस व्यक्ति की उम्र 55 साल थी. चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको छुपा कर रखा था. उन्होंने आधिकारिक तौर पर 8 दिसंबर को बताया. तब से लोगों को पता चला कि कोरोना नाम का नया वायरस आ गया है जो आगे चल के हम सबकी बैंड बजाने वाला है. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा वायरस को जान ले. Hey guys, me corona, hope you are not good. हाँ, पता है मुझे कि मेरी वजह से आप लोग ठीक नहीं हो. मेरा नाम है SARS-CoV-2 यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, पर आप इंसान मुझे COVID-19 या फिर कोरोना वायरस कह के बुलाते हो. मैं अपने पूर्वज सार्स की प्रजाति हूँ. मेरी पहचान ये है कि मेरे सतह पर कांटे जैसी आकृति या ताज जैसी आकृति मीन्स क्राउन या कोरोना पाया जाता है. मेरे से जो बीमारियां फैलती है उनको COVID-19 कहते हैं. मेरा जन्म नवंबर 2019 में चाइना में हुआ था. मैं इंसान और जानवरों में पाई जाती हूँ. अगर मैं आपके शरीर में चली जाऊँ तो आपका नाक बहेगा, खांसी होगी, गले में दर्द होगा और बुखार भी हो सकता है आपको. मैं सिर्फ चाइना में ही नहीं रहती, मैंने पूरी दुनिया देख ली है. अब इंडिया, अमेरिका, इन सबको मैंने बहुत सताया है. मैंने 2020 में कितनी तबाही मचाई है और क्या क्या किया है वो आगे आप जानेंगे. वो सब आगे आपको आरजे सेमन बताएंगे. तो मैं अब अपना माइक आरजे सेमन को दे रही हूँ. तो हाथ धोते रहिएगा, मास्क लगाते रहिएगा और 2 गज की दूरी बनाए रखिएगा, वरना मैं आपके घर आके आपको मारूंगी. थैंक यू मिस कोरोना जी. तो शुरू करें. January 2020, 41 केसेस, 1 डेथ. 29 January 2020, 6065 केसेस और 132 डेथ्स. चाइना के अलावा यहाँ 15 अलग अलग कंट्रीज़ में फैल चुका था. 30 January 2020, जब भारत में कोरोना वायरस पहुँच गया, चीन के वुहान में पढ़ने वाली केरल की एक मेडिकल स्टूडेंट अपने घर आई, लक्षण दिखाई दिए, फिर उसको भर्ती कराया. कोरोना कन्फर्म हुआ मगर वह 3 हफ्ते बाद ठीक हो गई. नाम था उसका उषा राम मनोहर. यह था इंडिया में कोरोना वायरस का पहला केस. फिर कोरोना वायरस चाइना में तेज़ी से बढ़ने लगा और साथ ही अन्य कंट्रीज़ में भी. ग्लोबल तबाही मचा रखी थी इसने. 11 मार्च 2020, जब 1,18,000 से अधिक लोग इस बीमारी से संक्रमित थे, चीन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया सबसे अधिक संक्रमित. अब बात करते हैं हम इंडिया के केसेस की. 22 मार्च 2020, 360 केसेस, 7 डेथ्स. महाराष्ट्र और केरला हाईएस्ट. इस दिन कुछ और भी हुआ था, याद आया? नहीं, जब हमने छतों पर, बालकनी पर और सड़क पर तालियां और थालियां बजाई थी. सरकार ने अनाउंस किया था जनता कर्फ्यू, सुबह 7 से रात 9 बजे तक घर पर ही रहना है और शाम 5 बजे ताली और थाली से हमारे वर्कर्स का अभिनंदन करना है. लेकिन लोगों ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया. Thank you.
वेल डन सर। पच्चीस मार्च जब सरकार ने अनाउंस किया नेशन वाइड लॉकडाउन का, बहुत बड़ा कदम था। 25 मार्च से 14 अप्रैल 21 दिनों का लॉकडाउन था। 14 अप्रैल 2020 10,363 केसेस, 339 डेथ। इतने तगड़े लॉकडाउन के बावजूद भी नंबर ऑफ केसेस तेजी से बढ़े, लोगों का रोजगार गया, मजदूर भूखे पेट सोने पर मजबूर हुए, घरों में लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई, लोग घर में रहे, ट्रैफिक नहीं हुई गाड़ियों की जिसके कारण पॉल्यूशन कम हुआ, दिल्ली हरी भरी दिख रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वायरस लॉकडाउन था जो साफ मायनों में अनसक्सेसफुल रहा। फिर सरकार ने दूसरा लॉकडाउन अनाउंस किया 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन का। सोच कर ही बैठे थे हम कि लॉकडाउन अब ख़त्म, अब राहत मिलेगी, मगर फिर से लॉकडाउन हो गई। कहते हैं ना, एक गलती को छिपाने के लिए बार बार गलती करते हैं, सरकार ने भी वही गलती अब बार बार की। 3 मई 2020 40,263 केसेस, 1,306 मौतें। फिर शुरू हुआ थर्ड लॉकडाउन 4 मई से 17 मई 14 दिन का। 17 मई 2020 90,927 केसेस, 2,872 डेथ्स। फोर्थ लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक 14 दिनों का। 31 मई 2020 182,143 केसेस, 5,164 मौतें। अगर दुनिया भर की बात करें तो 59,34,936 केसेस और 367,166 मौतें। लॉकडाउन पर लॉकडाउन होते गए और केसेस भी बढ़ते गए, ऑल लॉकडाउन्स अनसक्सेसफुल हुए। बीच में बहुत सारे अफवाह फैले जो बेबुनियाद थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को कोरोना हुआ, फिर फाइनली सरकार ने लॉकडाउन हटाया और शुरू किया अनलॉक करना। देश जो बंद पड़ा था 2 महीने से, उसमें कुछ हलचल शुरू हुई। फिर लोगों को पता चल गया कि अब सेफ्टी ही बचाव है। वैक्सीन का काम भी तेज़ी से चल रहा था, ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ, मगर स्कूल, यूनिवर्सिटी, थिएटर्स, क्लब, पार्क, गार्डन, टेंपल, स्टेडियम अभी भी बंद थे। फिर शुरू हुआ अनलॉक का दौर, अनलॉक 1.0, 1 जून से 30 जून। 28 जून 2020 5,08,953 केसेस, 15,685 डेथ्स। इसी बीच सरकार ने पीएम केयर्स फंड में जमा 2,000 करोड़ रुपए मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स पर खर्च किए, जो सराहनीय कार्य था। अमेरिका में केसेस और डेथ्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, मोस्ट वर्स कंट्री अमेरिका कोरोना केस में थी। 1 जुलाई 2020 भारत सरकार ने ह्यूमन ट्रायल्स को वैक्सीन के लिए अप्रूवल दे दिया, रिकवरी रेट्स भी कम हो रहे थे, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात सबसे अधिक पेशेंट थे। 26 जुलाई 2020 13,36,861 केसेस, 31,358 मौतें। सरकार ने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ा दी, जिससे कोरोना का जल्दी पता चला और इलाज हो सका। डेली केसेस के मामले में टॉप में अमेरिका, इंडिया और ब्राज़ील थे। डेली डेथ्स के मामले में ब्राज़ील, यूएसए और इंडिया थे। डेली ग्रोथ में कोलंबिया, अर्जेंटीना और इंडिया 3.5% के साथ टॉप पे थे। 24 अगस्त 2020 31,06,348 केसेस, 57,542 मौतें। आरोग्य सेतु ऐप में ओपन एपीआई सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया, जो लोगों को अर्थव्यवस्था में वापस लाने में मदद करेगा। वैक्सीन एडवांस स्टेज में पहुंच चुके थे और लग रहा था कि नेक्स्ट 30 डेज में आ जाएगी। 27 सितंबर 2020 59,92,532 केसेस, 94,503 मौतें। रिकवरी रेट तेज़ी से बढ़ रहे थे और नंबर ऑफ टेस्टिंग भी खूब हो रही थी, जिससे केसेस सामने आ रहे थे और डेथ रेट में भी कमी आ रही थी। 26 अक्टूबर 2020 79,46,429 केसेस और 119,502 मौतें। 30 नवंबर 2020 94,31,691 केसेस, 137,139 मौतें। वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो 6,23,63,527 केसेस और 14,56,687 मौतें थे। इंडिया में डेथ रेट बिल्कुल तेज़ी से घटी, 1.45 रह गई। 1 जनवरी 2021 1,02,66,674 केसेस 1 करोड़ के पार कर गए,
फिर खबर आई जिसने लोगों को उम्मीद दी। वैक्सीन दूर नहीं था, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम वैक्सीन की डिलीवरी कर रहे हैं, बहुत जल्द वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी। लोगों से कहा गया कि वैक्सीन आई है पर सेफ्टी अब भी आपको रखनी है। क्या है ये सेफ्टी? हाथों को हमेशा धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें। वैक्सीन पर चर्चा करने से पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए इस कोरोना वायरस और COVID-19 बीमारी के बारे में। कोरोना वायरस पर अभी भी रिसर्च जारी है, यह कितने टेम्परेचर पर कब तक रहता है और कौन से सरफेस पर कब तक जीवित रहता है ये अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, और यह किस जानवर में पाया जाता है इसका भी कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है। कहा जा रहा था कि चमगादड़ से आया है, लोगों ने चमगादड़ों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था, फिर लोगों ने कहा कि पेंगोलिन से आया है, पर इसका अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह वुहान सिटी के सी फूड मार्केट से आया है जहां बहुत सारे जानवरों के मांस बेचे जाते हैं। COVID-19 यह बीमारी किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा। अगर कोरोना आपके शरीर में प्रवेश करता है और अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो उससे फाइट आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप फाइट कर लेंगे, आपको कोई लक्षण भी नहीं दिखेंगे। लेकिन आप बीमार हैं और आपको पहले से कोई बीमारी है और आपका सिस्टम वीक है तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है, यह बीमारी आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपको यह बीमारी एक बार हो गई तो ज़रूरी नहीं कि दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म टेस्टिंग इसकी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक हो गए तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं प्लाज्मा डोनेट करके। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन वह है जो उन्हीं जीवों से बनाया गया द्रव्य है जो शरीर में किसी विशेष रोग से लड़ने के लिए इंसर्ट किया जाता है। एक बार अगर शरीर किसी बाहरी जीव से फाइट कर लेता है तो वो जीव दोबारा शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, शरीर में उस जीव के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है, तो वैक्सीन भी यही काम करता है। इंडिया की वैक्सीनेशन, भारत ने 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। इसमें ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी में भी यूज किया जा रहा है, जल्द ही और भी वैक्सीन आएंगी। COVID-19 वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स, नर्सेस, अस्पताल के स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, इनको लगाई जाएगी, फिर उसके बाद जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वालों को दी जाएगी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। फिर उसके बाद सुरक्षा बल के जवान, पुलिस कर्मी, फायर ब्रिगेड के लोग और सफाई कर्मचारियों को लगाई जाएगी। इसके बाद अंत में 50 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आम जनता को भी लगाया जाएगा। आज हम उसी दिन में हैं जब पिछले साल 30 जनवरी को भारत में कोरोना ने दस्तक दी थी। एक साल बीत गए, पहले सिर्फ हमारे पास वायरस था, अब वैक्सीन भी है, पहले सुझाव था, अब बचाव भी है। ये एक साल बहुत ही उथल पुथल से गुजरे हैं। उम्मीद है कि अब आगे ये उथल पुथल नहीं होगी और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। 30 जनवरी 2021 1,07,33,487 केसेस, 1,54,176 डेथ्स। इंडिया में रिकवर्ड या डिस्चार्ज लोगों की संख्या है 1,04,07,343, यानी 99% लोग ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर ओनली 1% रह गया है। सबसे अधिक प्रभावित स्टेट्स में रहे टॉप 5 में महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर दुनिया भर के मामलों की बात करें तो 10,26,28,593 केसेस, 22,16,285 मौतें, 97% पीपल्स आर रिकवर्ड, दैट रेट ओनली 3%। सबसे अधिक प्रभावित देशों में टॉप 5 में रहे USA, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया और UK। पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से इंडिया ने 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी है सिर्फ 13 दिन में। USA को 18 दिन लगे, इसराइल को 33 और UK को 36 दिन लगे इसके लिए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो ख़त्म करें। सोचो अगर कोरोना एक इंसान होता, वह इंसान किसी स्कूल का टीचर होता तब क्या होता? शायद ये होता। Wake up, you morons! 3 दिन पहले मैंने तुम लोगों को फिजिक्स का एक असाइनमेंट दिया था, हीट एंड प्रेशर, यानी कि गर्मी और दबाव। अगर तुम में से किसी ने वो नहीं किया है तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों सर? क्योंकि कल यही असाइनमेंट तुम्हें
5 बार करके लाना होगा, 5। थूकता काय को है? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले, इसी में ही समझदारी है।